हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। काउंटिंग हमारे लिए आज बहुत इजी वर्क है। हम अलग अलग चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, या फिर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। पर हजारों साल पहले काउंटिंग हमारे लिए इतना ईजी वर्क नहीं था। वो हमारे हम लोगों की कलेक्टिव एफर्ट, हमारी मैथमेटिक्स की ज़रूरत, काउंटिंग की ज़रूरत, या फिर हमारे अथक परिश्रम थी, जिसके वजह से मैथमेटिक्स ने हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से ग्रो किया। और मैथमेटिक्स की सहायता से ना ही सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के साइज को बताते हैं, ऑब्जेक्ट के नंबर को बताते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट के साइज डिफरेंस को भी बताते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर नोइंग अबाउट नंबर को पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर। तो नंबर को कंपेयर करके हम बताते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है या फिर कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो इसका सबसे पहला रूल है कि हम डिजिट को गिनेंगे। हम डिजिट को गिन के बताते हैं, मतलब जिस नंबर में जो नंबर जितना छोटा डिजिट से मिलकर बना होगा, जितना कम डिजिट से मिलकर बना होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो नंबर जितना बड़ा डिजिट से मिलकर बना होगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे 92 से बस दो डिजिट से मिलकर बना है, और यहाँ 89,742 जो कि 5 डिजिट से मिलकर बना है, इसलिए ये हमारा स्मॉलेस्ट है, और ये हमारा 89,742 हमारा ग्रेटेस्ट है। और सेकेंड केस है जब हमारा डिजिट सेम हो, सारे नंबरों में जब हमारा डिजिट सेम हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे सारे नंबर 4 डिजिट के हैं, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहला नंबर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 1। तो 1 हमारा दो जगह है और दोनों सेम है। तो जब पहला डिजिट सेम हो तो हम दूसरे और तीसरे डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 19 दोनों में है और 19 दोनों में, इसलिए दोनों डिजिट सेम है। और थर्ड में हम देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो थर्ड में हमारा यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे सबसे छोटा है, इसलिए ये नंबर हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर इन सभी में भी देखते हैं, इन सब का पहला 9 तीनों का है और सेकेंड में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा तो होगा नहीं, ग्रेटेस्ट होगा नहीं, इन दोनों में हमें चुनना होगा। तो इनका थर्ड डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थर्ड डिजिट 1 है, इसलिए सबसे बड़ा हमारा, सबसे ग्रेटेस्ट हमारा ये है 9,210। इसके बाद हम नंबर मेकिंग को देखेंगे। नंबर मेकिंग में हमें कुछ डिजिट दिए जाते हैं जिनसे हमें नंबर बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे 2379 हमारा डिजिट है, तो इस डिजिट नंबर मेकिंग में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। जैसे 2379 है, यहाँ पे 2739 हम लिख सकते हैं, जबकि 7729 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 7 को रिपीट किया गया, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा 2739 हमारा राइट है। तो डिजिट कंपेरिजन, डिजिट को बना के भी हम किसी, जैसे हमारे पास यहाँ 4 डिजिट दिया जाता है, तो उसके में हमें लिखा होगा कि इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या फिर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का रूल है कि हम छोटे डिजिट को पहले लिखते जाए और बड़े डिजिट को बाद में लिखते जाए। और ग्रेटेस्ट डिजिट का बनाने का रूल है कि बड़े डिजिट को हम, जितने बड़े डिजिट वो उतना लेफ्ट साइड में आएगा, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? द अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब किसी भी नंबर को उससे छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक अरेंज किया जाता है, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब छोटा नंबर पहले लिखेंगे और बड़ा नंबर बाद में लिख जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, तो ऐसे छोटे से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन है अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब पहले जितना बड़ा नंबर आएगा उतना लेफ्ट साइड आएगा, उतना पहले आएगा, और जितना छोटा नंबर होगा छोटा नंबर होता जाएगा वो राइट साइड में और बाद में आता जाएगा। इसलिए 5 4 3 2 यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 15 डिजिट, 15 डिजिट में क्या होता है, हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं या फिर कोई नंबर दिया जाता है उसके डिजिट को फिर बदल करके हमें उससे दूसरा डिजिट बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 462 है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमसे इस नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला गया है और सेकेंड में हमारा स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट बनाने का रूल है कि पहले बड़े डिजिट को लिखें 6, उसके बाद उससे छोटा 4, उससे बाद उससे छोटा 2, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है। और स्मॉलेस्ट बनाने का हमारा रूल है कि सबसे पहले हम छोटे को लिखें सब 2, उसके बाद उससे बड़ा 4, उसके बाद उससे बड़ा 6। इसलिए ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है और ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है। इंट्रोड्यूसिंग 10,000, तो हम 10,000 को कैसे बनाएंगे, तो किसी भी नंबर के हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर में अगर 1 जोड़ा जाता है तो उससे अगले वाले नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। जैसे कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 है, तो 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 बनेगा जो कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है हमारा 99, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो फिर से हमारा बनेगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि है 100। तो और उसके बाद 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है हमारा 999, मतलब 999, अगर उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि 1000 है। और उसके बाद फिर से हम 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को लेंगे जो कि हमारा है 9999, और अगर हम उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 10,000 जो कि हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो हमने 10,000 को बना लिया। ऐसे ही अगर हमें उसके आगे का डिजिट बनाना हो तो फिर से हम 5 नंबर के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को लेंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे और उसके बाद फिर से हम 6 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ 5 डिजिट का है 9999, हमारा 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, तो उसमें अगर 1 जोड़ दिए तो फिर से हमारा 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना। तो ये हम इंट्रोड्यूसिंग 10,000 या फिर डिजिट बनाने किसी ग्रेटेस्ट डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट को बनाने का, उससे आगे वाले डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने का रूल हम लोग सीख लिए। उसके बाद है हमारा एक्सपेंशन, मतलब कि कोई भी नंबर दिया गया है या फिर हंड्रेड्स में दिया गया है या फिर थाउजेंड में, उन्हें हमें एक्सपेंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे है 257 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 हमारा 100 डिजिट पे है, 5 हमारा 10 पे है और 7 हमारा 1s पे है, तो 2 के को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 100 डिजिट पे है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10s पे है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। उसके बाद हम कॉमा के यूज को सीखते हैं, यूजेज ऑफ कॉमा। कॉमा को 2 कैटेगरी के अंदर यूज किया गया है, जिससे पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का रूल है कि हम राइट साइड से पहले 1000 पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लाख पे, उसके बाद करोड़ पे लगाएंगे, पहले 1000 पे लगाएंगे उसके बाद लाख पे उसके बाद करोड़ पे, मतलब फर्स्ट में 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमा लगाते जाएंगे। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का तो हमारा रूल है कि कॉमा को राइट साइड से प्रत्येक 3 डिजिट एवरी 3 डिजिट पे हम कॉमा लगा सकते हैं। जैसे कि पहले 3 डिजिट पे 1000 पे लगा, फिर से मिलियन पे लगा, फिर से बिलियन पे लगा, तो ऐसे हम कॉमा को यूज कर सकते हैं ये 2 कैटेगरी के अंदर, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के द्वारा या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के द्वारा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंपेयरिंग नंबर को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग
इसके नए टॉपिक लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी सेल मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।